ये पहले जब राशन मिलता था तो कितनी लंबी लाइन लगती थी और नगद पैसा देकर राशन लेना पड़ता था। आज हमारी सरकार में महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और हर गरीब खुश है। राशन तो सभी जनता जानती है कि पहले से ही राशन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चालाकी काम ये करा कि उस पर अपना फोटो छाप दिया, अपना निशान छाप दिया, अपने फोटो लगा लगा के नमक और चने और तेल और गल्ला बांट रहे हैं। तो वो उन्होंने अपना प्रचार के माध्यम बना लिया गल्ले को। वो भाजपा की योजनाएं नहीं है मान्यवर, वो शासन की और सरकार की योजनाएं हैं, और वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो और चाहे समाजवादी की सरकार हो। अयोध्या में भाजपा को एक किन्नर हरा चुकी है पहले, इसलिए भाजपा की हिम्मत नहीं वहाँ अयोध्या में लड़ने, और योगी जी को फिर मठ में जाना है अपने, हैं इसलिए फिर वहीं वापस घर गोरखपुर आ गए, जहाँ पर रहना चाहिए वहीं वापस भेज दिया गया। हर खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। चुनावी माहौल चल रहा है, सरगर्मियां तेज हैं, सर्दी का मौसम है, ऐसे में यहां पे लोग अलाव का आनंद ले रहे हैं, अलाव लगा हुआ है और यहां पर अधिवक्ता लोग भी मौजूद हैं और तमाम पार्टियों के नेतागण यहां पर मौजूद हैं। इनसे चुनावी चर्चा करते हैं, आखिर आने वाले चुनाव में क्या राय है इनकी, परिवर्तन होगा या सत्ता की वापसी होगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा, यहां पर ओमेंद्र एडवोकेट जी मौजूद हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। क्या माहौल चल रहा है चुनाव करीब? चुनावी सरगर्मी तेज हैं, सभी दल अपने प्रत्याशियों को लड़ाने में लगे हुए हैं और जो भी परिणाम होगा सबके सामने आएगा। किसकी सरकार बनने जा रही है? बहुजन समाज पार्टी पूर्ण बहुमत सरकार बन रही है। तो किन मुद्दे क्या है बहुजन समाज पार्टी मुद्दे? सबसे मेन चीज है महिलाओं की सुरक्षा, बेरोजगारों को रोजगार, किसानों का सम्मान और सड़क है, पानी है, बिजली है, ये सारी समस्याएं हम लेके जनता के बीच जा रहे हैं। आपका प्रत्याशी कौन इस समय है? अभी तो प्रत्याशी हमारा बहुत कर रहा आएगा, जो भी आएगा। अभी तो हमने देखा सत्ता पक्ष के प्रत्याशी में भी कोई लग नहीं रहा कि प्रत्याशी ये टिकेंगे या कोई दूसरा आएगा, ऐसे समाजवादी का हाल है। सत्ता पक्ष से डॉक्टर MPRA जी हैं, काफी दिग्गज नेता हैं, पुराने हैं। अभी बात चल रही है, कन्फर्म नहीं है। नहीं कन्फर्म है उनका? कन्फर्म नहीं है, कन्फर्म नहीं, अभी विचार विमर्श चल रहा है हाईकमान पे। तो आपका भी तो कन्फर्म नहीं है अभी, कौन है? हमारा कन्फर्म होगा, जब इन लोगों का कन्फर्म हो जाएगा हमारा भी हो जाएगा। समाजवादी के नेता यहाँ पर है एन अंसारी जी, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस समय जो चुनाव करीब है, क्या माहौल है? चुनाव तो जनता सब देख रही, चुनाव का माहौल जो इतना है वो सब दिखाई दे रहा है, सब आमने सामने चुनाव दिखाई दे रहा है। समाजवादी बनाम BJP का चुनाव दिखाई दे रहा है सामने। अब ये देखना है कि BJP का पिछला 5 साल का जो कार्यकाल गुजरा उसमें जनता जिस तरह की तरह तरह कर रही है, हर मुद्दे पर हर मोड़ पर BJP सरकार फेल होती नजर आ रही है। एक तरीके से मैं तो ये कह सकता हूँ कि BJP ने पूरे देश को गिरमी रख दिया, बल्कि ठेके भी दे दिया। और जिस नेता को जो हम अपना नेता चुनते हैं, वो नेता अपने देश को गिरमी रखकर दूसरों के माध्यम से चलाए, मैं मानता हूं कि ऐसे नेता को देश के अंदर सत्ता मिलनी ही नहीं चाहिए। आप और कैसे कह सकते हैं, BJP की तमाम योजनाएं चल रही है, मुफ्त राशन भी मिल रहा है, मुफ्त सिलेंडर मिल रहा है और कई तरह की योजनाएं हैं, फिर भी आप कह रहे हैं? नहीं, गल्ला तो बहुत पहले भी मिलता था, मुरादाबाद में 5 किलो मिलने लगा और मार्च तक ही मिल रहा है। क्या भारत की जनता 5 मार्च के बाद क्या खाना खत्म कर देगी? मार्च तक ही क्यों? आपकी सरकार थी, उसने क्या किया था? चूंकि ये राष्ट्रीय योजना है, प्रदेश की योजना नहीं है, राष्ट्र की योजना से संचालित होता है ये मामला। हमारी सरकार का कोई राष्ट्र में अभी सरकार थोड़ी बनी है जो ऐसी कोई योजना लागू करती। भाजपा की सरकार में जो है अपराध कम हुआ है, भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। अपराध ही अपराध है, क्योंकि BJP के खुद लोग कह रहे हैं कि हमने अपराधियों को ही जेल में डाल दिया, तो इसका मतलब अपराधी थे तभी तो जेल में डाला। BJP के यहाँ पर राजू रस्तोगी जी बैठे हुए हैं। राजू जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आपने मुझे अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया है। मेरा नाम राजू रस्तोगी है, व्यापार मंडल कोषाध्यक्ष हूँ और भी सिंधु परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूँ। देखिए, निश्चित ही विकास की जीत होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
और जो हमारे विपक्ष पार्टी के नेता अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं बिना सोचे समझे दे रहे हैं, और जबकि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनमें सब में वो भागीदार है। तो आपका मानना है कि जो विपक्ष के नेता हैं उन्हें जानकारी नहीं है? नहीं, मैं ये बात कह सकता हूँ वो भी ज्ञानी है, ऐसा नहीं है कि ज्ञानी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों पार्टी से हमारी खिलाफ रहते हैं, समझे। लेकिन हमारी पार्टी कभी भी किसी प्रकार के साथ भेदभाव नहीं करती है, जो हमारे लिए होता है वो उनके लिए होता है, वोट अपनी जगह है, अपना मन है, जिसे देना है उसे देना है। क्या लग रहा है बीजेपी की दोबारा वापसी हो रही है यूपी के अंदर? निश्चित बीजेपी की वापसी नहीं कह सकते आप, विजय होगी, और हमारे जो प्रत्याशी डॉक्टर MP आर्या जी हैं वो भारी मतों से जीतेंगे और योगी जी तक सरकार बनेगी, ये हमारा पक्का वादा है। कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मैं नबी अमन एडवोकेट बिलाल प्रवक्ता कांग्रेस। मेरा कहना है इस वक्त जो BJP की सरकार में गुंडा राज और लोगों के साथ जुल्म जाती जितनी हुई थी, शायद है कि और झूठे वादे जो किए थे कि हम ये करेंगे रोजगार देंगे, सारे वादे इनके खोखले निकले और जनता इनकी जो चालबाजी झूठेबाजी जो जुमलेबाजी की सरकार है वो जनता समझ गई है और ये सरकार को बिल्कुल नकार रही इस बार जनता। और हमारी प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा भी दिया है, उन्हें बहुत समर्थन मिल रहा है और हम लोग अच्छी भागीदारी में हैं। उत्तर प्रदेश की जो सरकार बनेगी, हम पूरे बहुमत में नहीं, हम कहें पूरे बहुमत लेंगे, लेकिन हमारे अच्छे विधायक बनेंगे और जो सरकार जिसकी बनेगी BJP के खिलाफ उसमें हम शामिल होंगे। आपका प्रत्याशी कौन है? हमारे प्रत्याशी कई लोग टिकट मांग रहे हैं, कल हमारी लिस्ट जारी हो रही है जिसमें डॉक्टर हरीश गंगवार हैं, महावीर गुप्ता जी हैं और महिलाएं भी हैं 40% में, यास्मीन जहां हैं और राबिया हैं और कई लोग ऐसे हैं जो 6 लोग करीब हैं दावेदार। तो आपका दावा है सरकार आपकी बन रही है? सरकार बिल्कुल कोशिश पूरी कर रहे हैं, हमारी प्रियंका जी ने इतनी जो मेहनत की है उसका जनता समझ रही है कि जुल्म के खिलाफ किसने आवाज़ उठाई है, कौन लड़ रहा है, कौन कर सकता है और जनता के लिए, गरीब जनता के लिए जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ कौन आवाज़ उठा रहा है और कौन न्याय दिलाएगा। लेकिन यूपी में तो कुछ कांग्रेस का ऐसा नजर नहीं आ रहा है? ऐसा है जनता और कुछ लोग जो हैं वो ये मन बना रहे हैं, लोगों को भड़काते हैं कि कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो गया है। गिरा काफ़ी, कुछ गलतियां रहीं लेकिन ऐसा नहीं है। अब जब से हमारी प्रियंका जी आएंगे उत्तर प्रदेश का, जो उनको प्रभार मिला है, तब से दिन दूनी रात चौनी बहुत ही ज़्यादा मतलब गिराव कांग्रेस का हमारा बढ़ रहा है और हम बहुत अच्छे बहुमत में। सपा वाले तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। बिल्कुल सरकार बन रही है साहब, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये पार्टी के लोगों से बात ना करके जनता के दरबार में जाइए, आप सही रिजल्ट तो वहाँ से मिलेगा। ऐसा तो नहीं है 300 यूनिट जो फ्री बिजली की बात कही है? सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में सबसे जो जिस जो भी देश है, हर देश की रीढ़ की हड्डी युवा होती है और उत्तर प्रदेश हमारे देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ की जनसंख्या में सबसे बड़ी तादाद नौजवानों की है और नौजवानों का जो हाल हुआ है इस 5 साल की सरकार में वो मैं समझता हूँ कि ये इतिहास लिख गया। क्या हाल हुआ है? हाल ये हुआ है कि 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे, 5 साल में 10 करोड़ नौकरियाँ बनती हैं, 22 करोड़ की आबादी है, हर 2 आदमी को छोड़ के 1 आदमी नौकर हो जाना चाहिए था, कहाँ गया ये दावा? नौकरियाँ मिली हैं ना, 4.5 लाख युवाओं को यूपी के अंदर नौकरियाँ मिली? नहीं, इन्होंने 2 करोड़ साल का वायदा किया था, 4.5 लाख अगर दिए तो उसकी सूची जारी करें, अभी तक कहीं नहीं देखा। सन 2016 की और पीछे की जो वैकेंसियाँ थी उस पर नियुक्ति हुई है। तमाम योजनाएं चल रही हैं जिसमें राशन फ्री मिल रहा है, सिलेंडर फ्री मिल रहा है, इलाज फ्री मिल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कुछ हुआ नहीं इसमें? राशन तो सभी जनता जानती है कि पहले से ही राशन मिलता है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चालाकी काम ये करा कि उस पर अपना फ़ोटो छाप दिया, अपना निशान छाप दिया, अपने फ़ोटो लगा लगा के नमक और चने और तेल और गल्ला बांट रहे हैं, तो वो उन्होंने अपना प्रचार के माध्यम बना लिया गल्ले को। राजू जी, अभी हमारे भाई कह रहे हैं कि BJP के लोगों ने प्रचार किया है इस तरह से, मतलब एक दिखावा किया है। देखिए, इन्हें कुछ ना कुछ तो कहना ही है क्योंकि अपनी बात तो आपके माइक के सामने रखनी ही रखनी है इन्हें। ऐसा कुछ नहीं है, पहले जब राशन मिलता था तो कितनी लंबी लाइन लगती थी और नगद पैसा देकर राशन लेना पड़ता था। आज हमारी सरकार में महीने में 2 बार राशन मिल रहा है और हर गरीब खुश है, और मैं वादा करता हूँ आपसे कि हमारे सरकार के विकास के किए हुए कार्यों पर वोट मिलेगा, निश्चित वोट मिलेगा, जैसे कि
बहुत गरीब इंसान के लिए इलाज कराते समय अपना मकान तक गिरवी रखना पड़ता था, आज हमारी सरकार ने 5 लाख रुपए का उसके लिए इलाज की सुविधा की है। और राशन आपको तो पता ही है मिल रहा है भरपूर मात्रा में, राशन तो इससे पहले की सरकारें भी देती थी, पैसे लेती थी, हमारी सरकार कोई पैसा नहीं लेती है। तो अब जो राशन दिया जा रहा है वो कब से मुफ्त दिया जा रहा है? मेरे हिसाब से कोरोना काल से ही चल रहा है ये सिस्टम और आगे चलता भी रहेगा। अच्छी सड़कें दी हमारी सरकार ने, जिससे पहले 4.5 साल जो बीत चुके हैं उसमें राशन फ्री नहीं दिया, क्या वजह रही? देखिए सिस्टम होता है, सब सिस्टम को सही करते करते जब सिस्टम का समय आ जाता है उस सिस्टम पर फिर लागू कर दिया जाता है। और नंबर एक 24 घंटे, अभी कोरोना काल की आप बात कर रहे थे, कोरोना काल की, हाँ कोरोना काल से इसकी गति को बढ़ा दिया गया राशन की, क्योंकि आम आदमी परेशान हुआ, बीच का जो मध्य वर्गीय आदमी था वो परेशान हुआ, दिक्कत हुई उसके लिए। कोरोना काल में जिस तरह से प्रवासी मजदूर पैदल चले थे, पैरों में छाले पड़े थे, उनके लिए सरकार ने क्या किया? उनके लिए बहुत सुविधाएं दी हैं, ये सब उन्हीं के लिए किया गया है। और फिर से उन्हें पुनः रोजगार के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया है, वो पुनः रोजगार कर रहे हैं अपना। और हमारी सरकार जो है पूरे विश्वास के साथ कोरोना से लड़ रही है और जीत भी हासिल की है, और निश्चित ही जीती है। आगे भविष्य में हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ऐसी महामारी देश में ना आए। राजू जी बता रहे हैं कि कोरोना में जो है सरकार ने बहुत कुछ किया है, क्या लगता है आपको? हम तो अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से लगातार सुन रहे हैं कि बहुत कुछ किया होता तो लोग अपनी आवाज़ क्यों उठाते कि सिलेंडर नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाई, बिस्तर नहीं मिल पाए। जब बिस्तर और सिलेंडर ही नहीं मिल पाए तो इलाज कहाँ से हो गया? आपकी सरकार ने क्या किया था? हमारी सरकार तो अभी है, हम तो काफी सालों से बगैर सरकार के चल रहे हैं, तो है, लेकिन अभी जो कोरोना काल में हमारा कहना यह है कि अभी जो लोग रास्ते में पैदल चल के, उनका मोदी जी का आदेश हुआ लॉकडाउन लगा दिया, उसमें कितने लोग पैदल गरीब लोग मर गए, उसमें हमारी प्रियंका जी ने यह किया कि अपनी बसें पार्टी की तरफ से भेजी थी और लोगों को घर पहुंचाया था, ये काम किया था हमारी पार्टी। कहा जाता है कि बसपा जो है, बहुत से लोग आरोप लगाते हैं कि बसपा बीजेपी के एजेंट कुछ लोग बोलते हैं, क्या विचार है? बिल्कुल लोगों का कहना सही है, ये तो सब देख रहे हैं। बसपा के संगठन से और उसके जो बूथ स्तर पर जो कार्य हुआ है उससे देखकर सपा और भाजपा दोनों हैरान हैं, और उसे देखते हुए लग रहा है कि सपा के नेता जो है बीजेपी में जा रहे हैं और बीजेपी के नेता सपा में आ रहे हैं, यानी दोनों का आपसी गठजोड़ है आंतरिक तौर पर। मायावती अगर इतनी मजबूत है तो मायावती ने ये क्यों कहा था कुछ समय पहले कि बीजेपी को वोट दे देना लेकिन सपा को वोट नहीं देना? ये सिर्फ RSS का प्रोपेगेंडा है, झूठी अफवाह, केवल ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब आपने अखबार नहीं पढ़ा था, टीवी चैनल नहीं देखा था? टीवी चैनल, सोशल मीडिया, पेपर मीडिया सारी बिकाऊ हैं, गोदी मीडिया है। क्या कहेंगे जी? अभी ये कह रहे हैं कि इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था मायावती ने। नहीं, समाचारों में अभी बहन जी का बयान आया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर बहन जी मजबूत हैं, हर पार्टी अपने वर्ग से मजबूत होती है, अगर बहन जी अपने वर्ग में मजबूत हैं तो कहीं भी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ना चाहिए उनको। अगर मजबूत नहीं है, कमज़ोर हैं, इसीलिए वो इस तरीके से घर बैठी हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव लड़ना चाहिए। अयोध्या से इस समय जो योगी जी हैं, अयोध्या से चुनाव ना लड़के गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे, क्या राय है? उनकी अपनी जो रणनीति है उन्होंने चर्चावित करा होगा, अब जनता अगर उनको वहाँ का चाहती होगी इसलिए उन्होंने मन बना लिया वहाँ से लड़ने के लिए है। ये तो ये पॉलिटिक्स लोगों करने वाले उनका अपना तरीका है, किस तरह से कह रहा है। अयोध्या में भाजपा को एक किन्नर हरा चुकी है पहले, इसलिए भाजपा की हिम्मत नहीं वहाँ अयोध्या में लड़ने, और योगी जी को फिर मठ में जाना है अपने, हैं, इसलिए फिर वहीं वापस घर गोरखपुर आ गए, जहाँ पर रहना चाहिए वहीं वापस भेज दिया गया, तो बेहतर है अपने घर में रहें जी। राजू जी 80 बनाम 20 क्या है? योगी जी ने 80 बनाम जो 20 कहा। देखिए योगी जी एक ऐसे लोकप्रिय चेहरा है पूरे उत्तर प्रदेश में, ये विपक्ष जो कह रहा है कि गोरखपुर से लड़ा, अरे योगी जी तो कहीं से लड़ ले चुनाव, उनके लिए कहीं 20 सीट रिजर्व है कि कहीं से भी। चर्चा चल रही थी उसके बाद अयोध्या से न लड़के गोरखपुर में क्यों गए, अपने उत्तर प्रदेश पर राज करते हैं योगी जी, ठीक है, उनके लिए कोई सीट भी वो अछूती नहीं है, वो हर सीट से चुनाव जीत सकते हैं। तो इस बार चुनाव जो है रोजगार विकास के नाम पर होगा या धर्म जाति के नाम पर होगा? विकास के नाम पर चुनाव होगा, हमारी पार्टी हमेशा विकास में विश्वास रखती है और विकास किया भी है, और इसका परिणाम अन्य पार्टियों को इलेक्शन में मिल जाएगा देखने। तो फिर आपकी पार्टी जो है धर्म जाति के नाम पर चुनाव क्यों लड़ती है?
ये बिल्कुल गलत अफवाह है। हमारे यहाँ हर सर्व समाज का ही सम्मान है और होता रहा है, होता रहेगा। धर्म के नाम पे अफवाह बताई जा रही है कि बीजेपी है, धर्म के नाम पे जो है एक अफवाह है, सबका साथ सबके विकास के नाम से ही चुनाव लड़ती है, क्या कहेंगे सर? ऐसा है, किसी भी पार्टी का काम करने का अंदाज और उनका नारे को साबित करने का अंदाज इस चीज़ से भी जाहिर हो जाता है। 403 विधानसभा की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। मुझे बताएं भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी लोग कि कितनी उन्होंने मुस्लिम को दी है और कितने उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसमें उन्होंने कहीं मुस्लिमों को कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया हो, कहीं उन्होंने कहीं नॉमिनेट करने में जो वक्फ बोर्ड हैं, जो अल्पसंख्यक बोर्ड हैं, जहां मुस्लिम ही हो सकता है उनको छोड़कर, इससे जाहिर होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मामलों को फैलाकर और दो धर्मों में बांटकर, क्योंकि मुस्लिम कम है जहां उत्तर प्रदेश में 19% मुस्लिम है और 81% जहां हिंदू लोग हैं, तो जब दो धर्मों को अलग कर देंगे तो 81% एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, सीधा सीधी बात। तो आपका मानना है कि भेदभाव होता है? नहीं, मैं भेदभाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं आज का समाज जागरूक है और आप मीडिया के लोग भी सब जागरूक हैं। आप, मैं तो आपको आंकड़े बता रहा हूं, आप देख लीजिए सामने, जो आपके सामने है, अगर कोई 403 में से एक विधायक टिकट इन्होंने कहीं किसी मुस्लिम को दिया हो तो मुझे बताएं मेरे बीजेपी के साथी लोग। जितने भी बीजेपी की योजनाएं चल रही हैं उसमें कोई भेदभाव तो नहीं किया जा रहा ना? वो भाजपा की योजनाएं नहीं है मान्यवर, वो शासन की और सरकार की योजनाएं हैं, और वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो और चाहे समाजवादी की सरकार हो। जब समाजवादी की सरकार थी तो क्या कोई योजना आदरणीय अखिलेश जी ने ऐसी चलाई थी जिसमें ये देख लिया गया हो कि भाजपा के कार्यकर्ताओं को या एक धर्म विशेष को उनको लाभ नहीं दिया जाएगा? ये चुनाव होने तक का है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ है। जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे और जिस दिन आदरणीय मोदी जी या योगी जी या अखिलेश जी जब चीफ मिनिस्टर की या प्रधानमंत्री की शपथ ले लेंगे तो वो पूरे देश और पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूरे देश और प्रदेश के प्रधानमंत्री कहलाएंगे और वो जो भी योजना कार्यान्वित करेंगे उसमें पूरे देश और प्रदेश को लाभान्वित करने का उनका ड्यूटी है। ये संविधान है हमारा, कोई मनमानी नहीं है किसी सरकार की, पार्टियाँ अलग चीज़ हैं लेकिन सरकार वो पूरे देश और प्रदेश की होती है और जो भी योजनाएँ होती हैं वो देश और प्रदेश के हिसाब से चलती हैं। अभी बात करें तो क्या मानते हैं भ्रष्टाचार खत्म हुआ है? भ्रष्टाचार अब ये जनता परिवर्तन चाह रही है इसीलिए, क्योंकि इस बार ये बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंचा और गरीब जनता के साथ गुंडागर्दी और उनको न्याय नहीं मिला। ये सरकार बदलाव चाहती, जनता इसको बदल के मानेगी। भाई क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? सरकार देखो जो जिसने विकास करा होगा उसी की होगी। लगभग किसकी लहर चल रही है आज की तारीख में? भाजपा जो हर जगह चल रही है, भाजपा कि उसने जो भी कार्य करे हैं सभी के लिए करे हैं, क्यों ऐसा नहीं है कि अपने लिए करें, अपने विभाग के लिए करें हो या अपने नेताओं के लिए करे हो, हर जगह करे हैं। आज जो सुरक्षा हर जगह मिली है, मैं आज से बहुत जमाने समय पहले पहली बता रहा हूँ, उस समय मोदी जी नहीं थे प्रधानमंत्री, तो एक गुजरात का व्यक्ति आया था हमारे दुकानों पर, एक गुजरात का व्यक्ति आया था, वो भी था मुस्लिम, उसने कहा उस समय कि आपको शिक्षा चाहिए, आपको शिक्षा चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सुरक्षित चाहिए महिलाएं, तो आपको मोदी को लाना पड़ेगा। यानी वो महिला सुरक्षित है? हाँ, क्या कहेंगे? महिला सुरक्षित है हर जगह, ये उन्नाव हाथरस की घटना देखी और कई ऐसी घटनाएं हुई है, जघन्य अपराध हुए हैं और ये खुलेआम थोड़े बहुत गुंडागर्दी। आपको याद है हाथरस? याद है उन्नाव? आपको याद है? याद है। फिर आप कैसे कह रहे हैं? नहीं, हर जगह ऐसा एक चीज हो रहा है, हर जगह एक समान नहीं होता ना, कोई किसी की लखीमपुर घटना अभी जल्दी में ही जो घटी है, वो किस तरह से किसानों की जो निर्मम हत्या की गई, देखिए ऐसा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कमियां हर जगह हो जाती है। सत्ता का है, केंद्रीय मंत्री का बेटा अपने कार से एक गरीब जो किसान खड़े थे अपनी मांगों को लेकर उनको कार से रौंद दिया और पत्रकार की गोली मार दी गई। ये सरकार है भाजपा सरकार। किसकी लहर है भाई, क्या देखना चाहते हैं? टाइम भाई साइकिल की लहर चल रही है, हम किसान हैं भाई, किसान विरोधी सरकार है ये।
समाजवादी ने जब सत्ता में थी उस समय किसानों को क्या दिया? किसानों को बहुत आराम था, किसान खुशहाल थे। इनकी सरकार में किसान पट्ट है और हैले रखा रहे, हैले हैले खेतों में जानवर सब खा रहे हैं। बहुत परेशानी है इस टाइम, किसान मरा जा रहा है। तुम बताएं राजू जी क्या मानते हैं, अपराध खत्म हुआ है? बिल्कुल, आज हमारी बहन बेटियां बिल्कुल सुरक्षित हैं और ये वो दावे के साथ में कहती हैं कि हम बीजेपी सरकार में बिल्कुल पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। चाहे रात के 9 बजे अपने घर जाएं, चाहे बाजार घूमने 8 बजे जाएं, कितने भी समय जाएं, किसी प्रकार की कोई आपराधिक घटना सुनने को नहीं मिलती है अब हमारी बीजेपी सरकार। लेकिन जो अभी लखीमपुर में घटना घटित हुई थी तो उनको उसका दंड भी मिला है। क्या मिला? लोगों ने जो मांग की थी मंत्री को बर्खास्त करने की, तो बर्खास्त हुए हैं। क्या कहते हैं बर्खास्त हुए? भाई हमारे पार्टी के बड़े नेता है बीजेपी के, इन्हें अपनी पार्टी के बारे में यही नहीं बताया कि बर्खास्त हुए कि नहीं हुए, आप क्या कह सकते हैं इस मामले? तमाम लोगों से यहाँ पे चर्चा की चुनाव को लेके, आगे भी इस तरह की हम आपको चुनावी चर्चाएं दिखाते रहेंगे। देखते रहिए परवेज अंसारी की। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।